नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं सिंगापुर के मशहूर मैडम तुसाद्स वैक्स म्यूजियम में। ये म्यूजियम अपनी अद्भुत और जीवंत मोम की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। यहाँ आप दुनिया भर के प्रसिद्ध हस्तियों और सितारों की अद्भुत मोम की मूर्तियों को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो स्टैच्यू आप देख रहे हैं वह सिंगापुर के पहले राष्ट्रपति श्री यूसुफ बिन इशाक की है। उनकी फोटो सिंगापुर के करेंसी नोट्स पर भी होती है। म्यूजियम का यह हिस्सा यह दिखाता है कि शुरुआती वर्षों में सिंगापुर कैसा था। 1965 में सिंगापुर आज हम देखते हैं उतना विकसित नहीं था, बल्कि उस समय वह एक गरीब देश था। आप इस म्यूजियम में विभिन्न वस्त्रों में अलग अलग लोगों के स्टैच्यू देख सकते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सिंगापुर में अलग अलग देशों से आए लोग निवास करते थे। अब आप स्क्रीन पर सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री मिस्टर ली शियन लूंग के स्टैच्यू देख रहे हैं। इसके बाद सिंगापुर के दूसरे प्रधानमंत्री मिस्टर गो चोक टोंग की स्टैच्यू देख सकते हैं। इसके बाद यहां सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री मिस्टर ली कुआन यू और उनकी पत्नी की स्टैच्यू है। सिंगापुर के विकास के पीछे की वजह यही है, लेकिन इसके बावजूद आप उनकी स्टैच्यू को सिंगापुर में कहीं भी बाहर नहीं देख पाएंगे, केवल यहां ही देख सकते हैं। इसके बाद आप इस सेक्शन में दुनिया की महान हस्तियों की स्टैच्यू देख सकते हैं, जैसे कि श्री नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, महात्मा गांधी, क्वीन एलिजाबेथ और नरेंद्र मोदी। इस अगले सेक्शन में प्रसिद्ध स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के मोम के स्टैच्यू हैं, और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह मशहूर फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की है। और जो आप अब स्क्रीन पर देख रहे हैं वह विश्व प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली है। मेरा मतलब मोम की स्टैच्यू है। और अगली स्टैच्यू उस व्यक्ति की है जो क्रिकेट के भगवान के रूप में जाने जाते हैं, हमारे प्यारे सचिन तेंदुलकर। अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह स्पिरिट ऑफ सिंगापुर नामक पोर्ट राइड है। मुझे गलत मत समझिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह यहां क्यों है। अगली स्क्रीन पर आप देख रहे हैं विश्व प्रसिद्ध मार्शल आर्ट लेजेंड मिस्टर ब्रूस ली और मिस्टर जैकी चान। मेरे व्यक्तिगत फेवरेट हैं, लेकिन उनकी स्टैच्यू उनके जैसी नहीं लगती। आपका क्या विचार है कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताएं। यहां दीवारों पर लगी ये तस्वीरें बताती हैं कि किसी व्यक्ति की मोम की स्टैच्यू कैसे बनाई जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, किसी भी मोम की स्टैच्यू को बनाने के लिए वे एक 5-स्टेप प्रक्रिया का पालन करते हैं।
क्या आप में से कोई जानता है कि यह महिला कौन है? हमें कमेंट्स में बताएं। ये वाली प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म ईटी इनकी लग रही है। क्या यहाँ की यह महिला मैरिलिन मुनरो हैं? क्या मैंने सही अंदाजा लगाया? हमें ये भी कमेंट्स में बताएं। और जो व्यक्ति आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह मिस्टर डैनियल क्रेग हैं, जो बॉन्ड फिल्मों में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाते हैं। ऐसा लगता है कि यह सेक्शन हॉलीवुड की हस्तियों का है, और जो आप अब स्क्रीन पर देख रहे हैं वह अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हैं, उनकी प्रसिद्ध फिल्म दी टर्मिनेटर से। और यहां बाईं ओर प्रसिद्ध गायिका लेडी गागा की स्टैच्यू है, और दाईं ओर प्रसिद्ध ब्रिटिश गायक एड शीरन की स्टैच्यू है। इसकी स्टैच्यू देखिए, ये वाकई अविश्वसनीय है, बहुत ही रियल लगती है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? मुझे लगता है कि यह अब तक की सबसे रियल दिखने वाली स्टैच्यू है। यहाँ जो आप देख रहे हैं वे प्रसिद्ध गायिका कैटी पेरी की स्टैच्यू है। आइए मैं आपको इसे करीब से दिखाता हूँ, ताकि आप देख सकें कि इसे कितना रियल बनाया गया है। और यहाँ पर प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप कलाकार माइकल जैक्सन की स्टैच्यू है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अमेरिकी गायक एल्विस प्रेस्ली की स्टैच्यू है। इस सेक्शन में हमारे पास बॉलीवुड के सितारों की मोम की स्टैच्यू है। एंट्रेंस पर यह रणवीर सिंह की स्टैच्यू है, जो बहुत ही वास्तविक लग रही है। आपका क्या विचार है दोस्तों? यहां बॉलीवुड की क्वीन ऐश्वर्या राय की स्टैच्यू है। चलिए इसे करीब से देखते हैं। क्या आपको लगता है कि यह उसकी सुंदरता को जस्टिफाई करती है? अगला है ह्रतिक रोशन की। His statue does not look like him at all. पता नहीं क्या हुआ यहां। और यहां काजल अग्रवाल की भी एक है, इसमें भी उनकी पहचान नहीं हो रही है। मुझे स्टैच्यू की पहचान के लिए इंफॉर्मेशन कार्ड देखना पड़ा। नेक्स्ट वन इज ऑफ अनुष्का शर्मा। और यहां काजल की भी स्टैच्यू है। ये लगता है कि ये कोरियाई सेलिब्रिटीज की स्टैच्यू है। मुझे इनमें से कोई भी पहचान में नहीं आ रहा। अगर आप इन्हें पहचानते हैं तो कमेंट्स में हमें बताएं। अगला सेक्शन हॉलीवुड फिल्म अभिनेताओं के लिए है, और यहां पर स्क्रीन पर निकोल किडमन की स्टैच्यू है, फिर मशहूर मार्शल आर्टिस्ट मिशेल योह की है, फिर टाइटैनिक फेम लियोनार्डो डिकैप्रियो का स्टैच्यू है। पता नहीं कैसे, लेकिन प्रियंका चोपड़ा की स्टैच्यू इस सेक्शन में रखी गई है। पीछे यहां पर पायरेट ऑफ द कैरिबियन स्टार जॉनी डेप की स्टैच्यू है। यहां कुछ मार्वल के कैरेक्टर्स की स्टैच्यू है, जैसे कि आप लोकी की स्टैच्यू देख रहे हैं। ये म्यूजियम में सबसे रियलिस्टिक लगने वाली स्टैच्यू में से एक है। और यहां दीवार पर स्पाइडरमैन भी है।
ये मैडम तुसाद्स वैक्स म्यूजियम का एक वर्चुअल टूर था। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।